Andrew, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna talk about how to apply in France University, what's the procedure, requirements, each and everything. I will guide you in this video, so watch the video until the end. If you are new on my channel, please subscribe my channel. If you are old, thank you so much for subscribing my channel. So let's get started. Who can apply in this university? IP University is a top ranked university in France. So how to apply and how to fill application, let's get started. सबसे पहले आपने जो है वो एजुकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे और आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो मास्टर है और इसके अलावा पीएचडी के स्टूडेंट्स और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बैचलर वाले अगर मुझे कहते हैं कि मैम आप वीडियोज़ बैचलर के ऊपर बनाएँ, तो बैचलर के लिए मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि बैचलर की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्रांस के अंदर जो बैचलर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके लिए आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत कम रेयर केसेस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कुछ जो है वो कोर्सेज़ के लिए हैं, तो बैचलर वाले वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्राइवेट के साथ अपना है प्रोसेस करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई आपसे ये कहता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बैचलर्स की हैं, तो वो ऐसा नहीं है। और आप यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर जो है वो प्राइवेट में कर सकते हैं। तो बैचलर वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख तो सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मास्टर के स्टूडेंट्स की और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रही है। तो यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री प्रोग्राम्स, बायोलॉजी, डिज़ाइन प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक्स प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सोन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर आपकी कोई फील्ड है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने वाले आईफेल स्कॉलरशिप को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवांस मास्टर्स, तो यहाँ पे एडवांस मास्टर्स के लिए आप अपने जो है यहाँ पर कोर्सेज तो नहीं यहाँ पे शो हुए, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने कैंपसेस बता दिए हैं। इन कैंपसेस को आप फाइंड आउट करके यहाँ पर एडवांस मास्टर्स को कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएचडी के प्रोग्राम्स की, तो पीएचडी के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आज, क्योंकि पीएचडी के स्टूडेंट्स को भी ये कंप्लेंट रहती है कि मैं पीएचडी के ऊपर भी नहीं बनाती। सो मैं अब फ्रांस के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पर जो भी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक ओपन होंगी उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब पीएचडी के लिए। पीएचडी के प्रोग्राम्स में हमने जो है वो पीएचडी ट्रैक्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे बैचलर जिन्होंने 4 ईयर्स का किया है वो भी पीएचडी ट्रैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो है एम फिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इसकी, ऑनलाइन जो है वो ऑफिसिस वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है, क्राइटेरिया क्या है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा है। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर रीड आउट करने जाऊँगी और आपको एक चीज़ बताऊँगी तो और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि हम जो है वो इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ जाते हैं। तो आपने एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है और हम नेक्स्ट जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन्स ओपन है जो कि 10 अक्टूबर को जो है वो ओपन हो चुके थे। इसके अलावा जो मास्टर्स के यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं वो फर्स्ट सेशन जो है वो 24 अक्टूबर को ओपन होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से यहाँ पे सेशन है। यहाँ पे जो है वो 3 सेशंस हैं और उसकी डेट्स लिखी हैं कब कब यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर M2 में अगर अप्लाई करना है तो क्या इसका सिनेरियो होगा, बैचलर में यहाँ पर अप्लाई करना है तो क्या सिनेरियो होगा। यहाँ पर अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कोर्सेज़ हैं जो कि आपको जो है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो बैचलर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आप जो है वो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम आ जाएंगे और यहाँ पर अब आपने करना है अपने पोर्टल को रजिस्टर। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे नो और उसके बाद जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड देन यू विल राइट योर पर्सनल डेटा हियर। सो फर्स्ट यू विल राइट हियर योर ईमेल एड्रेस, choose your program, then create your password and repeat your password. Your password must be contain uppercases and lowercases
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन करना है और फैमिली नेम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अपना जेंडर, देन यू विल सेलेक्ट योर फ़ोन नंबर एंड इसके अलावा यू विल राइट योर डेट ऑफ बर्थ और आपने कैप्चर यहाँ पर जो गिवन है उसको आपने देख कर लिखना है और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जो है वो आपकी जो है वो ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल को आपने जो है वो जीमेल में जाकर ओपन करना है और उसको आपने यहाँ पर इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने बैक टू होम पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने जो है वो लॉग इन पर क्लिक करना है और देन आपने यहाँ पर अपना जो है वो नो को चेक करना है क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो डेटा फर्स्ट टाइम फिल हो रहा है। आप जो है वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहे हैं, अगर इससे पहले आपने किया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। ठीक है, नाउ यू विल राइट योर पासवर्ड एंड देन यू विल चूज अवर प्रोग्राम। सो आप ESTE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ESTE करेंगे और जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एज इट इज़ इसी तरह ही इस एप्लीकेशन को फॉलो करेंगे और बैचलर वाले भी इस को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने न्यू एप्लीकेशन को चेक करना है, देन यू विल चूज योर ट्रैक। आपने जो भी अभी कोर्स रिलेटेड फील्ड है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही कोर्सेज की हैं और जिनकी हैं वो सेलेक्ट कर रहे हैं और जिनकी नहीं है तो वो मास्टर का वेट करें, 24 अक्टूबर को ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो एक रेंडम अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने PhD को चेक करना है, देन कन्फर्म एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो अपने प्रोग्राम को आपने चेक कर लेना है और उसके बाद जो है कन्फर्म एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने जो है वो इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक दो जुगाड़ भी बताऊँगी लेकिन उसको आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा ताकि ये जुगाड़ जो है वो मैं एंड पर ही रखूँगी, उसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अब आपने जो है वो ये सारा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेशनैलिटीज़, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप जिस भी आपका सिटी होम टाउन ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है एंड देन यू विल सेलेक्ट योर नेशनैलिटी एंड देन इफ़ यू हैव अ ड्यूअल नेशनैलिटी देन यू कैन राइट हियर, इफ़ यू डोंट हैव देन स्किप इट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है, आपने अपनी कंट्री का कोड जो है यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने अपने विद कोड के साथ अपना कंट्री नंबर जो भी आपका वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो देन आपने एड्रेस लिखना है जो कि आपके घर का एड्रेस है। यहाँ पर मैं डेटा जो है वो हाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं एक फीमेल का डेटा फिल कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह से फिल करना है जब आपके पास फॉर्म होगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द डेटा ऑन द स्क्रीन, सो यू कैन जस्ट गेट अ हिंट टू हाउ टू अप्लाई। सो यहाँ पर अब आपने जो है वो एड्रेस लिखना है, आपने अपने कंट्री का चेक करना है, देन सिटी एंड देन हाउस नंबर इफ़ यू हैव देन राइट हियर, इफ़ यू डोंट हैव देन राइट 0 एंड स्किप इट। ओके, उसके बाद आपने नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब आपने जो है एजुकेशनल डिटेल्स यानी कि बैकग्राउंड स्टडीज़ को फिल आउट करना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन है तो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं और कंट्री, सिटी एंड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिग्री लेवल जो भी होगा आपका और मेन लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो वन बाय वन आप बैचलर की अप्लाई कर, अगर आपके पास बैचलर भी है, मास्टर भी है और फिल भी है तो आपने सब की डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर की डिटेल्स डालनी है और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने बैचलर और मास्टर दोनों की जो है डिटेल्स डालनी है और उसके अलावा अगर आपने MPhil किया तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आप अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी डिग्री की अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो वो डेट आप लिखेंगे और अगर एक्सपेक्टेड है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इस तरह से आपने जो है इसको फिल करना है और वन बाय वन आपने इसी तरह सारी
फील्ड को जो है वो फिल आउट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सो नाउ यू विल सेलेक्ट योर भाषा, यानी कि आप अपनी जुबान यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और जो आपकी भाषा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उर्दू को करेंगे एंड इंडियन जो है वो अपने हिंदी को करेंगे, और अदर कंट्रीज़ की जो भी मदर लैंग्वेज है दे कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग योर लैंग्वेज। सो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की जो आपको नॉलेज है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नॉन नॉलेज, और अपनी जो इंग्लिश की है वो आपने B2 करना है। अगर आपने आइट्स की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना लेवल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब आ जाती है मेन चीज़, यहाँ पर अब आपने जो जुगाड़ बताने वाली चीज़ है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। अब यहाँ पे जो है वो स्टेटस आप देख सकते हैं, अगर तो ग्रीन है तो यहाँ पर आपके रेफरी ने आपकी एप्लीकेशन को फिल कर दिया, और अगर रेड है तो उसने अभी तक नहीं किया, और अगर ये कर रहा है ऑरेंज कलर का तो इट्स मीन उसने ओपन की है और उसने इसको फिल आउट नहीं किया। अब आपके रेफरी को तो जाहिर सी बात है बहुत से स्टूडेंट्स जो भी प्रोफेसर हैं वो टच में नहीं हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक खूबसूरत सी ईमेल अपने प्रोफेसर के नाम की अपने लिए बनानी है, और ख़ुद अपने जो है वो यहाँ पर उनका डेटा फिल करेंगे, और ईमेल जो होगी वो आपने ख़ुद यहाँ पर एंटर करनी है अपनी वाली जो आपने प्रोफेसर के नाम से बनाई होगी। उस पर आपने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो फिल आउट करने के बाद सेंड कर देना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं और माशाल्लाह से की भी हैं, तो उसकी से ही बेस पर मैं ये बात कर रही हूँ कि मेरा ही चैनल का जो ईमेल है उसके ऊपर जी मेल कर रहे हैं, और जी इसलिए कर रहे हैं कि मैं वो इनका रेफरेंस लेटर जो है वो फिल करूं। भाई मैं आपकी टीचर नहीं हूं, भाई मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूं, आपने प्रोफेसर को सेंड करना है, मुझे नहीं करना। दूसरी चीज़, आपने जो है वो दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है, क्या हमने जो है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसके जो है प्रोफेसर है उसके कम्युनिकेशन करके उसका डेटा लिखना है? नो, आपने जिस यूनिवर्सिटी में प्रीवियस अपनी डिग्री कम्प्लीट की है वहाँ के प्रोफेसर का डेटा यहाँ पर एंटर करना है और ईमेल जो है वो ऐड करनी है। अगर आपके प्रोफेसर आपके टच में हैं तो आप ये फिल करवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो जुगाड़ नंबर एक जो मैंने आपको पहले बताया आप वो करेंगे, उसकी बेस पर आपको जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। उसकी बेस पे ये होगा कि आपकी जो है वो फाइल जो है वो लटकी नहीं रहेगी, पेंडिंग में नहीं रहेगी, जब तक यहाँ पर आपकी रिकमेंडेशंस की जो ये ईमेल्स फिल नहीं होंगी आपकी फ़ाइल लटकी रहेगी और ये प्रोसीड भी नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने ही ईमेल्स को यूज़ करें प्रोफेसर का बनाकर और उसके ज़रिए अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लें। ये यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड तब तक नहीं करेगी जब तक आपकी ये रिकमेंडेशन जो ईमेल्स हैं ये फिल्ड नहीं होंगी। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटी आती है और ज़रा सी मिस्टेक्स पर ये आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेहतर ये कि आप इसको जुगाड़ नंबर वन पर जो है अमल करके इसको आप फिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने इस यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना है। तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब भी चेक करते हैं, अगर यूट्यूब चेक करते हैं तो फिर मेरे चैनल का नाम ज़रूर दीजिएगा। तो इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपनी प्रीवियस डिग्री के बारे में बताना है, और अगर आपने यहाँ पर पहले कहीं अप्लाई किया है या फ्रांस में अगर कहीं और अप्लाई किया है तो भी यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने कहीं और भी अप्लाई किया है तो वो हमें बता सकते हैं इसी कोर्स में, ताकि ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं डालेगा। तो बेहतर यही कि आप नो ही लिखें, तो जहाँ तक मेरी सजेशन है कि आप नो ही लिखें, और बेहतर यही कि आप इनको ना ही बताएं तो ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने इसको फिल आउट करने के बाद अपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी एग्रीमेंट को चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपने मर्ज करके जो है अपलोड करना है, और कुछ को आपने सिंगल फाइल में भी आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर इसको अपलोड करने के बाद आपने जो है वो सारी फाइल्स को चेक करेंगे, यहाँ पर एक बार ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड होंगे, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो अगर एक बार सबमिशन हो जाती है तो इसको आप रीएडिट नहीं कर सकते। तो आपने ध्यान के साथ सारी चीज़ों को कवर करना है, और इस तरह से जब आपका सारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये आपकी सबमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आ जाएगी कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है।
किसी तरह की भी आपको क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी है और इंस्टा की आईडी भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रांस की वीडियोस जो है वो एप्लीकेशंस पर बनाती रहूं, और जो भी एप्लीकेशन नई या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होता है उसके ऊपर मैं बनाऊँ वीडियो, तो फिर तुसी सारे मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।